हेलो हेलो क्रिप्टोवर्स, कैसे हैं आप सब? और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त हमेशा की तरह, और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बिटकॉइन की टेररिस्ट फंडिंग के बारे में। एक आर्टिकल आया है जो कि थोड़ा सा फंड करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर। अभी शायद उतना ज्यादा ना करे, लेकिन जल्दी ही थोड़ा इसका जो है भयंकर रूप शायद देखने के लिए मिले। उसके अलावा हम लोग सतोशी ट्रांजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लोग मान रहे हैं शायद सतोशी की ट्रांजेक्शन है। तो इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। और हमेशा की तरह दोस्तों लाइक कीजिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम लोग लाते रहते हैं। और आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज यूज योर ड्यू डिलिजेंस हमेशा की तरह। और थोड़ा सा जरूर एक आध बार पढ़िए अपने आप, और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं और शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत भाई, जय भाई, संदीप भाई, गौरव भाई, सुबेशन भाई और दीपक भाई। ये रही हमारी स्क्रीन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक द सन करके एक यूके का जो एक आप कह सकते हैं कि पब्लिशर है, इन्होंने ये आर्टिकल निकाला है कि 246 मिलियन जो है शायद बिटकॉइन के रूप में जो है यूज किए जा रहे हैं टेररिस्ट फंडिंग के अंदर और वो सब चीजें। मतलब यहाँ पर मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, लेकिन फंडिंग से रिलेटेड मुझे कुछ चीज ही नहीं नजर आई इसके अंदर। सिर्फ इन्होंने पुरानी चीजों के बारे में बात किया। यहाँ पर इन्होंने बोला कि श्रीलंका के अंदर जो बॉम्बार्डिंग हुई थी, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसको इन्होंने इसके साथ में जोड़ने की कोशिश की। जहाँ पर इन्होंने बोला कि वहां पर जो है पैसा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो है भेजा गया था। उसके अलावा इन्होंने भी बोला कि सीरिया में एक तकरीबन 20 से 18 साल का एक लड़का था, जिसने कि बेसिकली उन लोगों को सिखाया कि किस तरह से बिटकॉइन को यूज किया जाए और किस तरह से चीजें करी जाए। और इन्होंने यहाँ पर एक जगह और लिखा है कि 2017 से 2020 के अंदर तकरीबन जो कैश था इन लोगों का 300 मिलियन डॉलर्स का, वो तकरीबन गायब था। तो इन लोगों का मानना है, मतलब ये इन लोगों का मानना है, कंफर्म नहीं है कि एक्चुअली में यही चीज हुई है कि नहीं हुई, सिर्फ इन लोगों का मानना है, हवा में तुक्के मार रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, 300 मिलियन अगर गायब हुए हैं तो वो शायद क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही गए हैं, क्योंकि वही एक सेफेस्ट जगह है जहां पर वो लोग छिपा सकते हैं। दुआ कीजिए कि उन्होंने 2017 के अंदर बाय किए हो क्रिप्टो करेंसी और 2020 में, आप सभी को पता है। और दुआ कीजिए कि कम से कम उन्होंने सारे के सारा पैसा एडा के अंदर डाला हो और आज उनकी हालत क्या हुई होगी, भगवान ही बचाए उन लोगों को। और इन्होंने यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश करी है कि ये तकरीबन 2015 से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और इवन ऐसा ही नहीं है कि इन्होंने पहले की भी बात करने की कोशिश करी है, कि सिर्फ अभी की बात नहीं करी है इन्होंने, इन्होंने पहले की भी बात करी कि पहले भी इसी तरह से ISI या फिर दूसरे टेररिस्ट फंडिंग जो है करने की कोशिश करी। और कुछ एक जो है इन्होंने ये भी बताया कि वेबसाइट थी जहां पर ऑनलाइन फंडिंग भी करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो सब उनको इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि कैंसल करवा दिया था। और ये लोग, इन्होंने ये भी अपनी पीठ थपथपाते हुए भी यहाँ पर इसके अंदर ये बोला है कि हम लोग इन लोगों से एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने इसको रेगुलेट करने की कोशिश करवा रहे, रेगुलेटरी को बॉडीज को बोला है कि इसको रेगुलेट किया जाए, ताकि इस तरह से कोई भी जाकर के इसको यूज ना कर सके और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सब ना हो सके। इन्होंने ये भी बोला है कि वहां पर उन लोगों को ये समझाया गया है कि किस तरह से बेसिकली आप लोग बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं, और किस तरह से इन क्या कहते हैं जो भी कैश वाला प्रॉब्लम है, जो कैश इधर उधर लाने ले जाने का प्रॉब्लम है, उससे उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि सिंपली एक तरह से रेगुलेट किया जाए, और रेगुलेशन अगर लगेगा तो इस तरह की टेररिस्ट फंडिंग हम लोगों को कम दिखेगी। अगर देखा जाए तो कैश सबसे ज्यादा एक तरह से टेररिस्ट फंडिंग और इस तरह की चीजों में यूज होता है, और अभी तक क्रिप्टो से देखिए मुझे जो लगता है ISI और ये सब, मुझे नहीं मालूम मैं एक्चुअली में एग्जैक्टली सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि शायद इस्लाम के अंदर क्रिप्टो करेंसीज वो सब यूज करना भी शायद गुनाह है या ऐसा कुछ है, लेकिन और ये लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों को चलते। एक पीछे एक और आर्टिकल आया था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि फंडिंग कराने की कोशिश करी गई BTC के अंदर, तो वहां पर मुश्किल से 0.3 BTC भी इकट्ठे नहीं हुए थे। इस तरह की चीजें भी आई थी। अगर आपको यहाँ पर बिटकॉइन टेररिस्ट फंडिंग करके अगर सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल निकलेंगे जो कि मार्च, जनवरी और उससे भी पुराने पुराने 2018 के अंदर भी, 2017 के अंदर भी इस तरह के आर्टिकल निकले थे। बेसिकली ये लोग हवा के अंदर तीर मार रहे हैं कि ये हुआ था, हो सकता है उन्होंने सिखाया है एक दूसरे को और वो सब चीजें। और कुछ यहाँ पर इन लोगों के पास में पुख्ता
सबूत नहीं है कि एक्चुअली में ये लोग कर भी रहे कि नहीं भी कर रहे हैं ना। तो ये कोई ज्यादा उतनी बड़ी डरने वाली बात नहीं है। ऐसी एक ये और आर्टिकल है 10 मार्च का, क्योंकि जब भी ये सब क्या कहते हैं अपने आप को जब थोड़ा सा इनको वो चाहिए होता है, लाइमलाइट में लाना होता है, तो ये लोग इस तरह की जो है आर्टिकल छापते हैं ताकि थोड़ा सा इन लोगों को क्लिक्स और वो सब मिल जाए, क्लिक बेट हो जाए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मिंट के अंदर भी 26 जनवरी को उन्होंने 2020 के अंदर ये भी लिखा था कि ग्रोइंग क्या कहते हैं फंडिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ रही है। मतलब कुछ भी उठा करके ये लोग लिखते हैं, कहीं से भी मिलता है वो सब चीजें करते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ बिल्कुल, देखिए इलीगल वहां पर जितना, संदीप भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि इलीगल साइट्स है जहां पर यूज होता है BTC, लेकिन वो टेररिस्ट फंडिंग वाली साइट्स नहीं है। वहां पर आप जैसे ये चीजें जो है जो कि डार्क वेब के ऊपर आपको बाय करने के लिए मिलती है, इस टाइम पर जो डार्क वेब के ऊपर करेंसी सबसे ज्यादा यूज होती है वो है मोनेरो और डैश। इस टाइम पर BTC सबसे कम यूज होता है वहां पर। तो ये चीज भी हमें एक्चुअली मालूम होना चाहिए। वो अगर मेरे दिमाग में रहता तो मैं वो आर्टिकल दिखाता आप लोगों को, राइट। उसमें भी मतलब रेडिट का भी एक पोस्ट था, उसके अंदर वो आर्टिकल का लिंक था। तो वहां पर उन्होंने क्लियरली बताया था कि जो ये डार्क वेब के ऊपर सबसे ज्यादा प्राइवेसी करेंसीज यूज होती है इन दिनों, तो वो भी चक्कर है। एनीवेज डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ अपने आसपास पे ध्यान दीजिए, पैनिक के अंदर सेल मत कीजिए। याद रखिए ये बिटकॉइन है, कोई ऐसी वैसी करेंसी नहीं है जिसको आप सेल कर दोगे और फिर आप निकल जाओगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, मेन पॉइंट कि 50 BTC की ट्रांजेक्शन करी गई, जो कि बहुत बहुत पुरानी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहली बार ऐसी ट्रांजेक्शन देखी गई 2017 के बाद में, जो कि नजर आ रही है कि तकरीबन कितना नंबर ब्लॉक था। यहाँ पर कहीं पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ब्लॉक नंबर था 3654 नंबर ब्लॉक। मतलब आप खुद सोचिए 3654 नंबर ब्लॉक है और इस टाइम पर तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग मिलियन के आसपास में जो है रिवॉर्ड ब्लॉक जो है वो चल रहा है। तो आप खुद सोचिए कि इस तरह की चीजें जब हम लोगों के सामने आती है, और उसी को एक क्या कहते हैं बताया जा रहा है कि बिटकॉइन का जो प्राइस डंप हुआ है एक तरह से इसी की वजह से भी हुआ है। और देखिए कभी भी एक चीज नहीं होती जिसकी वजह से प्राइस डंप होता है, एक ये लिस्ट है जिसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पुराना बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो ये ट्रांजेक्शन हुई है कल, ये वाली ट्रांजेक्शन है ना 20/5/2020 को, ये काफी पुराना बिटकॉइन माइन किया गया था, जो कि 9/2/2009 को एक तरह से माइन किया गया था। और इससे पहले 2017 के अंदर लगभग इसी ब्लॉक के आसपास का जो ये ब्लॉक था ये लगभग सेम, आप देखिए टाइम देखिए और टाइम भी आसपास है, यानी कि ब्लॉक भी आसपास ही रहा होगा। तो वो क्या कहते हैं शेयर किया गया, एक तरह से ट्रांजेक्ट किया गया। तो ये जो एक पैटर्न देखा जा रहा है, ये एक तरह से क्या नाम है, ये पतोसी बोला जाता है इन पर्सन को जिन्होंने भी ये BTC माइन की है बेसिकली, राइट। इनको पतोसी, PATOSH, पतोसी बोला जाता है। तो ये सतोशी जरूरी नहीं है, मतलब ये एक वो है कवायद है जो लगाई जाती है कि सतोशी ने सारे मतलब स्टार्टिंग के ब्लॉक जो है माइन नहीं किए थे, जबकि कुछ एक लोग और उनके साथ इन्वॉल्व थे जिन्होंने काफी सारे मतलब कंप्यूटर लगा करके BTC माइन किए थे, तो उनको ही ये लोग अब स्पेंड कर रहे हैं और उस तरह से चीजें कर रहे हैं। और कभी भी मतलब आप देखेंगे कि 2017 में निकल के आए, 2015 में काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन करी, लेकिन आप खुद सोचिए कि एक पर्सन जिसने 10 साल तक इस ट्रांजेक्शन को संभाल करके रखा और फाइनली अब जाकर के यूज किया, तो एक काफी फैसिनेटिंग चीज है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये जो वॉलेट है, इस वॉलेट से रिलेटेड यहाँ पर आपको 50 BCH भी नजर आएंगे और 50 BSV भी नजर आएंगे। ये भी काफी मजेदार चीज है कि इसको हाथ नहीं लगाया उन्होंने, इनको हाथ नहीं लगाया। अगर वो चाहते तो प्राइवेट की यूज करके इन सबको भी हाथ लगा देते, लेकिन इनको नहीं हाथ लगाया, राइट। और यहाँ पर मैं आपको और दिखाना चाहता था कि इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर यही बोला है कि ये सतोशी के द्वारा माइन किया हुआ नहीं है BTC बेसिकली। और ये एक्चुअली में पर्सन देखिए कितने चालाक है कि इन्होंने जो भी माइन किया है BTC वो अलग ब्लॉक में रखा हुआ था और काफी टाइम तक इसको अलग ही ब्लॉक में, मतलब अलग ब्लॉक कह रहा हूँ सॉरी, अलग वॉलेट के अंदर रखा। और ये ट्रांजेक्शन है बेसिकली, ये एक कॉइन बेस्ड ट्रांजेक्शन है। कॉइन बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों जब भी आप एक बिटकॉइन ब्लॉक माइन करते हैं तो ब्लॉक का जो रिवॉर्ड मिलता है वो कॉइन बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है। तो उसको क्या कहते हैं जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है, उस टाइम पर 50 BTC का ब्लॉक रिवॉर्ड होता था। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर,
सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा यहाँ पर, ये वाला, ये देखिए कॉइनबेस, यहाँ पर न्यूली जनरेटेड कॉइन, कॉइनबेस जो है एक्सचेंज का नाम, वो यहीं से लिया गया है। तो स्टार्टिंग से जो वो रिवॉर्ड मिलते हैं वो इसी के थ्रू मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप जाकर के देखेंगे, इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इस ब्लॉक के अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी। यहाँ पर आप देखिए कि जीरो से तो ही, और उसके अलावा यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं ट्रांजेक्शन, तो फी पर बाइट क्या होगी जब ट्रांजेक्शन ही नहीं है उसके अंदर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनपुट, टोटल इनपुट, टोटल आउटपुट कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, इसलिए टोटल इनपुट यहाँ पर जीरो है। तो वो भी चक्कर है। तो मतलब काफी अच्छा लगा देख करके कि इतना पुराना बेसिकली वॉलेट किसी ने छेड़ा है, और फिर लगातार उसको छेड़ के, मतलब जब से इसको टच किया है इन्होंने, तब से लगातार काफी सारी ट्रांजेक्शन इसके थ्रू करी जा रही है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको स्टडी कीजिए, अगर आप लोग क्रिप्टो के अंदर है तो देखिए कि एक्चुअली में आप एक हिस्टोरिकल वॉलेट देख रहे हैं जो कि काफी पुराना बनता है। और एक और चीज काफी अच्छी इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर बोली कि अगर सतोशी अपने बीटीसी को सेल करेंगे, तो आप खुद सोचिए कि वो अपने रीसेंट वाले सबसे पहले स्पेंड करेंगे, जो कि उनको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो अगर सतोशी होंगे तो वो अपने इतने पुराने बीटीसी को नहीं वो करने वाले हैं। तो ये भी एक चक्कर है। तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनका आईपी ट्रेस, आईपी एड्रेस जो है ट्रेस हो सकता है इजीली, क्योंकि ट्रांजेक्शन करी गई है, इसके साथ में आईपी एड्रेस भी जाता है, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, तो वो उससे भी पकड़े जा सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये बोला है कि अगर सतोशी अगर ट्रांजेक्शन करेंगे या इस तरह का कोई भी अपना बीटीसी स्पेंड करेंगे, तो वो इस तरह से नहीं करने वाले, अपना जो सबसे नया वाला जो होगा उसको करेंगे, सबसे पुराने वाले को सबसे बाद में करेंगे। तो ये उन्होंने बोला क्लियरली, ये सतोशी तो नहीं, ये पतोशी है, जो कि उनके साथ में ही जो उनके ग्रुप के अंदर पर्सन रहे होंगे, काफी सारे पर्सन थे, बैक एडम बैक और क्या कहते हैं, बहुत सारे नाम थे जो कि उनके साथ में उस टाइम पर जुड़े हुए थे, और उन लोगों ने माइन किया है, और उनमें से ही किसी ने बिना बताए ये एक्चुअली स्पेंड करने की कोशिश करी गई, बस इतना सा है। तो ज्यादा इसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी चीज है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, है ना। तो ये एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जो कि किसी ने शायद पैसे की जरूरत रही है, क्या रही है, वो सब चीजें करने की कोशिश करी है, बट एनीवेज होती है चीजें होने के लिए। और एक और चीज कि उस टाइम पर इसमें कहीं पर किधर था वो, कि प्राइस बेसिकली वो दिख रहा था उस टाइम का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउटपुट 50, वो क्या कहते हैं, कहीं पर था, किधर गया, कि उस टाइम पर तकरीबन पूरे के पूरे जो 50 BTC की जो वैल्यू थी वो $24 थी, और आज के टाइम पे तो आपको पता ही है BTC क्या सॉलिड धूम मचा रहा है, इतनी सॉलिड ट्रांजेक्शन करी है लोगों ने, और कितना था यहाँ पर डॉलर, इन्होंने बताने की कोशिश करी है कहीं पर, कितने 100,000, किधर है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताने की कोशिश करी कि उसकी वजह से थोड़ा सा ये BTC के अंदर ट्रांजेक्शन करी गई है, ये स्क्रिप्ट हैश इन्होंने बताया कि ये एक अलग से, मतलब क्योंकि सतोशी इस तरह से जो है वो नहीं यूज करते थे, जो नॉन्स होते हैं वो इस तरह से नहीं यूज करते थे, वो नंबर्स में ज्यादा यूज करते थे, तो इसलिए उन्होंने बोला $490,000 के आसपास की ट्रांजेक्शन करी गई। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह दोस्तों लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद मेरे भाइयों।